सचिन पिलगांवकर पहुंचे दुबई अपनी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर के साथ और वहां पे मुलाकात हुई इनके प्यारे प्यारे पुराने दोस्तों के साथ। जी हाँ, जहां सोनू निगम, आर माधवन, दिविक ओबेरॉय भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इनके पुराने सभी दोस्त नजर आ रहे हैं। वहीं सभी ये अवार्ड शो में पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे से मिलकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बता दूँ कि काम के सिलसिले के चलते इन लोगों की जो मुलाकात है सालों साल बाद होती है। और फाइनली कई सालों के बाद सचिन की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हुई है, वो भी दुबई में। वहीं सभी लोग जो है घूमने गए हुए हैं, वहीं सुप्रिया बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। बता दूँ सचिन पिलगांवकर की पत्नी है सुप्रिया पिलगांवकर, वहीं ये लोग अभी दुबई पहुंचे हुए हैं, वहीं बुर्ज खलीफा भी गए हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं सचिन। बता दूं कि आए दिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है अपनी बेटी अपनी पत्नी के साथ। सचिन जो है एक जाना माना चेहरा है और नदिया के पार मूवी से जो है इनकी एक अलग पहचान बनी है और ये मूवी आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। बता दूं कि सचिन को सचिन के नाम से न जानकर इनके फैंस ज्यादातर चंदन नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि नदिया के पार फिल्म में इनका नाम चंदन था और आज भी इन्हें लोग चंदन नाम से ही जानते हैं। फिलहाल ये लोग इंजॉय कर रहे हैं दुबई में।